वेलकम बैक टू माई चैनल अगेन एंड वेरी गुड मॉर्निंग। तो आज है डे टू ऑफ लद्दाख राइड एंड अभी हम लोग हैं आदिलाबाद में। कल हम लोग रात में पहुँचे थे 890 किलोमीटर्स कवर करके ऑलमोस्ट। तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पे एक होटल बुक कर दिए थे ऑन द गो। तो अच्छा है होटल, आप लोगों को दिखा देता हूँ कैसा है। यह है राजेश भाई, राजेश भाई का चैनल है आरकेडी व्लॉग्स, डू चेकआउट हिज चैनल एंड सब्सक्राइब। और ये जो है हम लोगों का रूम कुछ इस तरीके से था। अच्छा है रूम, अच्छा है, हम लोगों को बस सोने के लिए चाहिए था। दो बेड लगे हुए आराम से, मस्त एसी लगा हुआ है। तो ये वाला जो है मेरे को बैग वाइट एरा का है, RR 310 का, टेल पे आराम से फिट हो जाता है। एंड इसी के साथ में ये है मेरे पास कार्बनेटेड का हाइड्रेशन बैग, तो इसमें हाइड्रेशन ब्लैडर अलग से राइडा वाला पड़ा हुआ है। तो ये अच्छा है, आप लोगों को लाइट रखना है वेट तो अच्छा। बाकी सारा सामान मेरा ड्रोन व्रोन और बाकी कैमरा वैमरा सब इसमें आ चुका है। तो आज का प्लान ऐसा है कि यहाँ से 200 किलोमीटर्स पे नागपुर है, नागपुर में जाएंगे एंड नागपुर से हम लोग ब्रेकफास्ट फिनिश करके देन उसके बाद आगे निकलेंगे। और आई थिंक सो थोड़ा सा लेट हो गया आज, बट थोड़ा बहुत नाइट में राइड करना पड़ सकता है क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा है। तो एनी वेज यहाँ से निकलते हैं एंड उसके बाद में मिलते हैं आपसे रोड पे, बाकी सारी चीज़ें बात करेंगे, आप लोगों को बताएंगे आगे का प्लान। सो डू चेकआउट, मेरी इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो मेरे को, इंस्टाग्राम आईडी इज विकेट राइडर ऑफिशियल एंड यू कैन चेकआउट द लेटेस्ट पोस्ट आल्सो। सो गाइस अभी हम लोग यहाँ से आदिलाबाद से निकल रहे हैं एंड यहाँ से जो ग्वालियर का टाइमिंग है पहुँचने का बता रहा है 10:22 रात में। तो यहाँ से ये जो हाईवे था हम लोग यहीं से टुवर्ड्स राइट लिए थे, जिससे कि हम लोगों को होटल मिला था। और यहाँ से अभी हम लोग दोबारा मेन हाईवे ज्वाइन कर रहे हैं और फ्यूल रेंज दिखा रहा है 162। तो 100 किलोमीटर्स कवर करने के बाद में वी कैन ईजली हैव ब्रेकफास्ट और फ्यूलिंग व्यूलिंग कर लेंगे। आज सेकेंड डे है, जो कल मिस्टेक्स की वो दोबारा नहीं दोहराएंगे। बट यही है कि हम लोगों को टाइम जितना नाइट राइड कम करना पड़े उतना ही बेटर है, क्योंकि रात में विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम हो जाता है एंड जो पूरा अपोजिट साइड से जो लाइट आती है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देती है। सो अभी एक्चुअली हम लोगों को रुकना पड़ गया है। राजेश भाई के LS2 के हेलमेट में क्या हुआ है ना, ये साइड में एक्चुअली कल गिर गया था तो उसकी वजह से ये पूरा लूज़ हो गया। हाँ, और अभी चलते चलते क्या हुआ, ये पूरा उखड़ के बाहर ही आ गया। तो अभी उसका ऊपर से क्लिप निकाला है और उसका जो पेच है उसको टाइट करते हैं। सही में राइडिंग में ऐसा चलता रहता तो कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, हो जाता है कभी कभी। चलो अभी निकलते फिर। तो ये नागपुर वाला हाईवे है, अच्छा है, बट ओनली थिंग इज कि ये जो रोड्स है बहुत ज़्यादा पैची है और ऊपर से रोड जहाँ तक स्मूथ चल रही है तो वहाँ तक स्मूथ चल रही है, अगर नहीं तो बीच में गड्ढा आ रहा तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा गड्ढा आ रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पे महाराष्ट्र एंटर कर चुके हैं और देख सकते हैं आप पूरा ग्रीन फील्ड शुरू हो गया है। अभी बहुत मस्त वाला रास्ता यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे पूरा घाट सेक्शन शुरू हो चुका है। और ये देखो, ओह ये बस यही खराबी है यहाँ के रास्ते की कि आप लोगों को अचानक से ना गड्ढे मिल जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, और वो गड्ढे ऐसे नहीं कि थोड़ा छोटे मोटे हैं, गड्ढे बहुत ज़्यादा गहरे हैं। तो फाइनली काफ़ी टाइम के बाद में हम लोगों को ना ये 6 लेन का हाईवे मिला है, ये अच्छा लग रहा है, इसमें हम लोग खींच सकते हैं। बट अभी फ्यूल रेंज दिखा रही है 55, बट पेट्रोल पंप नहीं मिल रहा है काफ़ी टाइम से। फाइनली अभी रिलायंस का पेट्रोल पंप मिल गया हम लोगों को और यहाँ पे बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है। पेट्रोल का प्राइस कहीं लिखा हुआ है क्या? पेट्रोल का प्राइस देखते हैं। फाइनली अपने को 49 किलोमीटर्स फ्यूल रेंज दिखा रहा, तब जाके एक पेट्रोल पंप मिला। यार यहाँ पे अलग ही प्राइस हो रखा है, 808। जितना जितना ऊपर जाते जा रहे हैं उतना ही ज़्यादा प्राइस बढ़ता जा रहा है। मेरे को लग रहा है लद्दाख तक पहुँच के बाहर वाला बॉटल से लेना पड़ेगा 170 का। अभी अपने का पेट्रोल पड़ा 1137.63 का, 10 लीटर्स आ गया। हो काफ़ी देर तक अभी प्रॉब्लम नहीं रहेगा। सो यहाँ पे ये पूरा लेफ्ट साइड में अपने नागपुर है और ये है इंडस्ट्रियल एरिया, इसके पास में एक और टोल पड़ा है, ये वाला टोल पड़ा है। बट आसपास रास्ता बहुत ज़्यादा अभी भी पैची चल रहा है, आई डोंट नो भाई, NH44 होने के बाद में भी। ओरिएंटल नागपुर बाईपास, ये वाले ट्रक का हाल देखो क्या हो रखा है भाई, खतरनाक।
बहुत ही गंदा एक्सीडेंट। सो वी हैव एंटर्ड महाराष्ट्र और अभी नागपुर क्रॉस कर चुके हैं, चाय वो पी रहे हैं, उसके बाद में निकलेंगे। क्या आई टॉकिंग टू योर हेलमेट? आई एम टॉकिंग टू माय हेलमेट, आई एम टॉकिंग टू माय सब्सक्राइबर्स। हेलो फ्रेंड्स, थैंक यू। सो द टाइम इज 10:42 एंड अभी हम लोगों को यहाँ पे भाई लोग कुछ मिले, उन्होंने पूछा कि ये बाइक का स्टॉक कलर है कि क्या है। तो यहाँ पे था एक्सप्रेस टपरी, चाय में पिया, थोड़ा सा लाइट ब्रेकफास्ट किया एंड अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं टूवर्ड्स ग्वालियर। यहाँ से डिस्टेंस रह गया है अराउंड 700-250 के अराउंड हम लोग कवर कर चुके हैं, और उसके अलावा आई थिंक सो बस ये रोड पैच ही ना हो, अदरवाइज बाकी सब सही चल रहा है। यहाँ से मस्त वाला फॉरेस्ट शुरू हो गया है, बहुत सही लग रहा है यार ये। तो ये देखो हम लोग शायद एमपी एंटर करने वाले हैं, कुछ एक गाड़ियाँ दिख रही हैं एमपी नंबर की भी। यहाँ पे देख लो, यहाँ पूरा लेक वेक पड़ चुका है और इधर साइड में पूरा फॉरेस्ट, मस्त सा हाईवे निकला हुआ है बीच में से, बहुत सही लग रहा है। तो अभी यहाँ बारिश वाला मौसम सा हो रखा है, आई डोंट नो अभी रेन जैकेट पहनना चाहिए कि नहीं। हम लोग यहाँ पे अभी वाइल्ड लाइफ एरिया है पूरा, यहाँ पे फॉरेस्ट मस्त वाला आर्क है, इधर एंटर कर चुके हैं। तो अपने भाई लोग रुके थे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, बट बहुत अमेजिंग सा लग रहा था व्यू। एंड सो अभी हम लोग यहाँ पे पेंच टाइगर रिजर्व था जो अभी पीछे निकल गया, मतलब अभी साइड में चल रहा था। तो फाजिल भाई आगे जा रहे थे, उनसे पूछा, थोड़ा सा टेम्परेचर वेम्परेचर चेक किया और फिर उसके बाद जाने दिया, और अपन लोगों से कुछ पूछा नहीं, पता नहीं क्या रीज़न है। एटलीस्ट अभी एमपी एंटर कर चुके हैं और यहाँ से हम लोगों को सीधा निकलना है वाया झांसी, विल बी गोइंग टूवर्ड्स ग्वालियर, और लखनऊ डाउन से उत्कर्ष ज्वाइन करेगा हम लोगों को राइड पे। तो यहाँ पे कोई सी रिवर है, बहुत अच्छी लग रही है यार, मतलब यहाँ पे आसपास जो नज़ारा आ रहा है ना वो हम लोग फील करते हुए चल रहे हैं। तो बहुत टाइम से ऐसा रोड चल रहा है यहाँ पे। चलो चलो चलो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यार, इस सिटी के अंदर आना नहीं पसंद है मेरे को। तो अभी हम लोग लखनऊ डाउन पहुँच चुके हैं सिटी के अंदर। एक्चुअली हम लोग को थोड़ा सा पीछे साइड से लेफ़्ट टर्न लेके एक हाईवे ही मिल रहा था, बट थोड़े बहुत अपने साथ में दो राइडर और हैं वो आगे आगे, तो हम लोगों को अभी थोड़ा सा आगे आके ये सिटी वाला रास्ता लेना पड़ गया। तो यहाँ पे उत्कर्ष मिल गया और हम लोगों को यहाँ से लद्दाख राइड पे ज्वाइन किया है। और क्या चीज, वीकेंड राइडर, सैटरडे संडे राइडर, सैटरडे संडे राइडर, आईटी वाले सैटरडे संडे राइडर, आईटी वाला की दुख, ठीक है। सो अभी हम लोग क्या है, यहाँ से हम लोग पहुँच चुके हैं लखनऊ डाउन और बहुत ज़्यादा धूप है यहाँ पे। अभी यहाँ पे हो गया है अपने पास 4 KTM 390 एडवेंचर और मेरी अकेले की RR 310 है। तो अभी 400 किलोमीटर हम लोग कवर कर चुके हैं एंड रहता है अभी 500 किलोमीटर जो हम लोगों को आगे कवर करना है। तो लेट्स सी अभी कितना टाइम लगता है, और अभी लंच वंच करेंगे, लंच के लिए रुक गए हैं हम लोग। तो आज ट्राई कर रहे हैं कि ब्रेक थोड़े कम मिले और नाइट राइड ना करने पड़े, वैसे नाइट राइड करना पड़ेगा थोड़ा कुछ किलोमीटर्स के लिए। सो अभी हम लोग यहाँ पे आए थे होटल हॉट एंड फ्रेश और लंच किया, बहुत टाइम हो गया यार, मतलब हम लोग ब्रेक इतना ज़्यादा लंबे हो जा रहे हैं कि एक बार बैठ जा रहे हैं तो उठ नहीं रहे हैं। 3:01 हो चुका है और 500 किलोमीटर्स बाकी है, गारंटेड लिख के 12 बजे से पहले नहीं पहुँचने वाले हैं। आई वाज जस्ट ट्राइंग टू अवॉइड नाइट राइड, बट अभी करना ही पड़ेगा। यहाँ से आगे पूरा फिर से
बारिश वाला सीन लग रहा है, बस बारिश नहीं हुई ऐसे ठंडी ठंडी हवा आ रही है, अच्छा लग रहा है। बट यहाँ पे अभी फ्यूलिंग स्टेशन नहीं मिल रहा है, 66 किलोमीटर का रेंज बाकी है, सुबह वाला हाल हो रखा है। सो फाइनली अपने को मिल गया है पेट्रोल पंप और अभी फ्यूलिंग करेंगे। अपने को बिल्कुल मतलब एज टू एज में मिल रहा है सारा पेट्रोल पंप, आज उधर से घुमा के लाने बोल रहा है। हाँ, दिस इज द बेस्ट टूरिंग पोजीशन, जैसे कि फाजिल ने कर रखा है। ये देखो क्या बात, अरे। अभी हम लोग यहाँ पे सागर पहुँचने वाले हैं और दोबारा से फॉरेस्ट रेंज शुरू हो गया है। एमपी में एक्चुअली सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पड़ता है। यहाँ से जो झांसी का डिस्टेंस है दैट इज़ समवेयर अराउंड 314 और वहाँ से एग्जैक्टली 100 किलोमीटर्स बाद में हम लोगों को ग्वालियर पड़ेगा। सो अभी यहाँ पे फिर से बारिश वाला सीन हो गया है एंड हम लोग रुक के अगेन राइडिंग पैंट और जैकेट पहन लिए हैं रेन प्रूफ वाले। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है एंड अभी इतना ज़्यादा अभी आई थिंक सो गोप्रो झेल नहीं पाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ पे रुके थे, यहाँ पे व्यू देखो क्या मस्त आ रहा है, बहुत सही है। सो यहाँ से हम लोगों का ये क्या बंदा 35 किलोमीटर आगे, 35 किलोमीटर के आगे बंदा खड़ा है एक। ओ भाई फिर से बारिश। अभी अपने आगे से वो जो बाइक वाला दिख रहा है ना आगे साइड में, उसका ये सीन है कि स्प्लेंडर चला रहा है और विदाउट हेलमेट और मस्त उड़ा के लेके गए हम लोगों के आगे से। मतलब यहाँ के लोगों को बिल्कुल भी हेलमेट का इम्पोर्टेंस नहीं पता है कि क्यों पहनना चाहिए, क्या होता है हेलमेट, मेरे को ये लग रहा है इन्हें ये भी नहीं पता होगा लिटरली यार। मतलब ये चीज़ अगर करोगे तो फिर एक्सीडेंट हो गई, ऊपर से उड़ा के लेके जा रहे हो तो बचने के चांसेस उतना ही कम हो जाता है। तो डोंट डू दिस, हेलमेट पहना करो। भाई साहब क्या मस्त वाला हो रखा है, ये पता नहीं क्या सरसों वरसों है क्या, पता नहीं क्या है, बहुत सही लग रहा है। ये देखो अभी दिन में जितने नज़ारे दिखा सकते हैं नज़ारे दिखा देंगे, क्योंकि रात होगी उसके बाद में कुछ नहीं दिखेगा। मतलब आप सोच रहे हो आर R310 पे जब मैं राइड मार रहा हूँ तो किसी पे भी मार सकते हो, थोड़ा सा एग्रेसिव पोस्चर नहीं है टीवीएस अपाचे R310 का, ये चीज़ मेन है। क्योंकि बाकी जो बाइक्स रहती हैं जो बिल्कुल सुपर बाइक्स रहती हैं उनका थोड़ा एग्रेसिव पोस्चर होता है, उसमें ज़्यादा डिस्टेंस करना पूरा मुश्किल होता है। ओए होए 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 क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत सही, ऐसा रास्ता चल जाए तो फिर क्या ही बात है। तो ये पूरा मैड डॉग का जो स्विच था यहाँ से टूट गया, मेरा भी ये हो रहा है, वो भी टूट जाएगा आपका, क्या ही सीन है। तो ये लगा कहाँ पे था, इसको वो इधर पे लगा हुआ था, ये पूरा निकल गया यार। अभी तो नहीं है फिलहाल के लिए, इसको अभी लटका के रखने से ना कोई दिक्कत नहीं है, बस वो कूदेगा उदेगा ना तो दिक्कत होगा। हाँ वही ना, इसको कुछ क्लिप करके हाँ ऐसे कर दो, करेक्ट अभी लगा रहेगा।